हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक होम में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो मोटर होता है, मोटर का समरसेबल का स्टार्टर होता है, वो रिपेयर होने के लिए आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे इसमें लाइन लगाते हैं, कस्टमर का कहना है कि ये यानी कि ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हम इसे ऑन करते हैं ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे लाइट तो सब चीज़ आ रही है। ठीक है, हमें देखना होगा दोस्तों किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि उसने यहाँ पर दोस्तों स्विच भी उसने चेंज करवाए थे किसी और दुकान पर दोस्तों उसका कहना है कि यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा। हमने सारी वायरिंग भी चेक कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों एक कनेक्टर जो दे रखा है कन्वर्टर, ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। वर्क किस वजह से नहीं कर रहा है मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले क्या दिखाऊँगा, सबसे पहले दोस्तों इसका जो यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक कोयल होती है नीचे की साइड, उसे दोस्तों चेक करना होता है हमारे ठीक है या नहीं है 220 वोल्टेज एसी देखे। तो आपको मैं दिखा दूँ अभी यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए मेन पॉइंट में मैं इस पर देता हूँ इसके कोयल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ चल चुका है। ठीक है, वैसे तो चल रहा है पर दोस्तों जो पानी है वो नहीं उठा रहा है। वो क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों मैं अभी आपको इसमें दिखाऊँगा और किस वजह से दोस्तों ये हमारा ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसे बदलना होगा अगर दोस्तों ये वाली दिक्कत आती है, क्योंकि हमने जैसे इसमें चेंज किए, इसमें पहले जो कस्टमर ने बताया था कि यहाँ पर मैंने इसमें स्विच भी चेंज करवा लिया फिर भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर हमारा कोयल की तरह होता है एक, ठीक है, इसे जैसे कोयल बोल देते हैं या रिले बोल देते हैं, रिले लगी होती है स्टार्टरों में ज़्यादा, पर दोस्तों रिले जो है वो इसमें रिले नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसे कनेक्टर बोला जाता है एक तरह का, जो दोस्तों रिले का काम करता है। ठीक है, तो पहले इसे दोस्तों हमें हटा लेना है ऊपर की साइड से और हमें चेक करना है दोस्तों फॉल्ट किस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दो कनेक्टर दे रखे हैं जो कि दोस्तों गल चुका है यानी कि फूक चुका है और पिघल के वो नीचे की साइड चला गया। ठीक है, आप देख लीजिए खुद ही यहाँ पर बिल्कुल अपने आँखों के सामने दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है इसका, अब इसे चेंज करना है। अभी मैं आपको एक बार नए वाला दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पर नए वाला मंगवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, अभी मैंने पन्नी इसकी उतार रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें जैसे अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे ऐसे इसमें लगाएंगे भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ फोकस करके अच्छी तरीके से, नीचे के पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए अभी ऊपर की साइड है। अब जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ तो टच हो रहे हैं, पर जो पुराने वाला है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पिघल चुकी है उसकी बॉडी जो होती है प्लास्टिक बॉडी, वो यहाँ पर हमारे दोस्तों पिघल चुकी है। अब दोस्तों पहले हमें क्या करना होगा, इसके जो वायर हैं वो हमें यहाँ पर हटाने हैं और फिर ऐसे जैसे हमने इसे हटाए हैं ऐसे इसमें लगाने हैं, क्योंकि सेम है और सेम आपको लाना है अगर आपके पास ऐसे रिपेयर होने के लिए आता है। अगर रिले वाला आता है तो रिले वाला भी दोस्तों उसमें भी सेम होते हैं, बस क्या होता है रिले को आपको देख के लाना होता है, फ़ोटो खींच के लेके और बाज़ार में मार्केट में और उसे देख के ले आए। ठीक है, क्योंकि किसी किसी में रिले निकलती है और किसी किसी में कनेक्टर निकलता है, तो दोस्तों इसमें कनेक्टर है और इसमें रिले थी किसी जो हमारे दूसरे वाले होते हैं। ठीक है, समरसेबल के स्टार्टर तो किसी किसी में होते हैं दोस्तों रिले और हर किसी में नहीं होते, क्योंकि इतनी महंगी आती है इस वजह से दोस्तों कस्टमर नहीं लगा पाता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसके वायरिंग। पहले मैंने यहाँ पर खोल लिया है इसे, देख लीजिए आप। ठीक है, सो हमारे चारों वायर खुल चुके हैं। वायरिंग जो थी मैंने आपको दोस्तों दिखाई भी थी, हमारी जो वायरिंग है वो बिल्कुल ठीक थी इसमें। अब दोस्तों नए इसमें लगा देते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर को यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इसके पेच बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कसने होंगे और कसने के बाद यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं तो दोस्तों फिर क्या होता है, अगर कुछ भी चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप सीधा जो समरसेबल स्टार्टर होता है ना, ये आप सीधा गूगल पर डालिए समरसेबल स्टार्टर और वहाँ पर दोस्तों सारा चार्ट जो है वो निकल के आ जाता है, चाहे कोई सी आईसी हो चाहे कोई सा ट्रांजिस्टर हो, आपको पहचानना है। क्योंकि जब मुझे भी नहीं पता होता था तो सबसे पहले क्या करते थे, गूगल की मदद लेते थे कि हमारा ये एनपीएन है या पीएनपी है। वैसे तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है या पीएनपी होता है, क्योंकि जब वर्क करते रहते हैं ज़्यादा दिन हो जाते हैं करते करते काम, तो दोस्तों उसमें पता चल जाता है। पर किसी किसी में क्या है, अगर भूल जाते हैं तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से दोस्तों हम वीडियो डालते हैं जिससे कि किसी को पता चल सके
कि हमारा क्या हमारे किस चीज़ में दिक्कत हुई है और कैसे हम उसे वायर को लगा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं, हमने ठीक किया और हम बाद में उसे भूल जाते हैं या हमारे दिमाग में से निकल जाता है, तो उस चीज़ को हम देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह से हमें वीडियो बनानी पड़ती है और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ हमें कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अब इसके कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ से हटाए थे ऐसे इसके कनेक्शन यहाँ पर लगाने भी है। तो सीधा यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन तो बहुत लंबे बैठ जाते हैं किसी दिन, बस यहाँ पर जो फॉल्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि दो तीन फॉल्ट मैंने इसमें दिखा लिए। एक बार हमने दोस्तों जो स्विच है वो ख़राब हुआ था और जो एक बार MCB ख़राब हुई थी, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका जो ये है हमारा कनेक्टर जो था हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्टर, तो ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक बार इसे बिल्कुल यहाँ पर वायरिंग करके आपको दिखा देता हूँ चालू करके, क्योंकि कस्टमर का भी कहना था कि ये चल नहीं रहा था। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी बिल्कुल फुल वायरिंग करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दो इसमें से स्विच यानी कि दो वायर निकाले थे, तो दोनों वायर को यहाँ पर ओ साइड साइड में लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, SKM का है ये। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है जिससे कि पता ना चले कि यहाँ पर हटाया भी था, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों ये दूसरे वाले वायर है ये भी यहाँ पर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से जैसे अभी मैंने पहले लगाए थे ये, ठीक है। नीचे वाले लग चुके हैं, अब ऊपर वाले। तो नीचे वाले दोस्तों 220 वोल्टेज AC के होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे वायर जो है यहाँ पर लग चुके हैं। अब दोस्तों इसे चलाने की बारी, अब हमें यहाँ पर चला के देखना होगा कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता है या नहीं चलता है। वो कैसे पता लगेगी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दो यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक फेस में यहाँ पर वायर दे रखे हैं, तो दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट करना है। दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद फिर देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्विच से ओपन है क्लोज हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी दिक्कत है। फिर किस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, या तो दोस्तों आपका स्विच ख़राब हो सकता है या आपकी वायरिंग ख़राब हो सकती है, वायरिंग के कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कनेक्शन में दोस्तों दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत दिक्कत बन जाती है, ठीक है, देखने के लिए आ जाती है प्रॉब्लम। तो इस वजह से दोस्तों हमें पहले कनेक्शन को देखना होता है। अगर कनेक्शन दोस्तों भूल जाते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है, सबसे पहले आप फोटो ले लीजिए और उसके बाद कनेक्शन कीजिए। तो अब मैं दोस्तों आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेड यानी कि ग्रीन से दबाया स्विच, ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए चल चुका है। तो यहाँ पर लाइट भी आ चुकी है। अभी मैं आपको एक बार कैमरा भी उतार के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कॉन्टैक्टर को इसके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसका स्विच जो है ऑन कर दिया और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है। तो ऐसे दोस्तों अभी मैं एक बार कैमरा आपको उतार के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि यहाँ पर चला है या नहीं चला। मैंने यहाँ पर रेड बटन जो है यहाँ पर पहले ग्रीन दबाया, ठीक है, यहाँ पर चल चुका है। अब यहाँ पर रेड, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्लोज हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप ठीक कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। तो अगर सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय।